Hello everyone. In previous lecture we discussed about the NCERT in-text question and today we will start discussing the NCERT textbook questions. So let's start. So हमने discuss जहां तक किए थे in-text questions में हमारे पास एक last question जो था वो pending था, that is about question number 15. So question number 15 था हमारे पास कि samples of four metals A, B, C and D were taken and added to the following solutions one by one. हमारे पास ए बी सी डी फोर मेटल्स हैं, उनको हमने कुछ पर्टिकुलर गिवन सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर हमने डाला है. द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज. और हमें यहाँ पे बुक में इसको टेबुलर फॉर्म में जो है वो बना के हमें दिया हुआ है. सो यूज द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी. सो हमें यहाँ पे आंसर करना है क्वेश्चंस को. फर्स्ट इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो हमारे पास ये जो फोर मेटल्स हैं इनमें हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है. सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा बी, बिकॉज कॉपर सल्फेट जो है वो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. आफ्टर दैट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट. अगर हम जो बी है उसको एड कर दें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट के अंदर तो क्या होगा. सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर होगा हमारे पास कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इसलिए वो उसको क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. हमें इसको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज करना है. तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है वो तो हम कंसिडर करेंगे डी, बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है. आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट ए, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी. क्लियर. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. आई होप आपने खुद से भी इसको ट्राई किया होगा और बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किया होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा. अब हम बात करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज उसके बारे में. सो जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करेगा. सो फर्स्ट पार्ट इज NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, सेकंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, थर्ड इज फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, फोर्थ वन इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल. तो इनमें से कौन सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. तो आप इसको एक बार एनालाइज करेंगे कि कौन सी मेटल जो है वो रिएक्टिव है कौन सी नहीं है. तो इसके बेसिस पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा दैट इज डी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल. आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. ऐसा कौन सा मेथड है इनमें से जिससे हम आयरन पैन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक एंड ऑल ऑफ द अबव. सो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, क्योंकि हम किसी भी फ्राइंग पैन में ऑब्वियसली ग्रीस या पेंट अप्लाई नहीं कर सकते. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. एक एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर. लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो वॉटर सोल्यूबल भी है. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी. इनमें से एलिमेंट आपका कौन सा हो सकता है. योर ऑप्शन आर कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन. सो ऑब्वियसली वॉटर सोल्यूबल कौन सा है इनमें से, कैल्शियम. सो योर आंसर इज ए. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फोर, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज. जो आपके टिन है, पैक्ड फूड के टिन है, वो हमेशा जो है वो कोट किए जाते हैं, ठीक है, टिन से कोट किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हम जिंक से कोटेड नहीं करते. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. योर ऑप्शंस आर जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन. तो हमारे पास इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. सो हम इसीलिए टिन यूज करते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे और हमारे पास जो फूड है वो
प्रॉपरली हमारे पास हमें ऑब्टेंड हो। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विचेस। आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। ए पार्ट, हाउ वुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप कैसे बताएंगे कि इनमें से मेटल्स कौन सी हैं और नॉन मेटल्स कौन सी हैं? सो ऑब्वियसली मेटल्स कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म शीट्स, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ब्रोक डाउन, और नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इन टू शीट्स। सो सिंपली जो मेटल्स है उनको आप हैमर से हिट करके, जो गिवन मटेरियल है आप उसको हिट करेंगे, अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है दैट मीन्स दे आर मेटल्स, अगर नहीं होता है दैट मीन्स दे आर नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सो हम और क्या कर सकते हैं? सो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट कैन बी टेस्टेड फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, जो हैमर है उसको अरेंज करके, इन सारी चीजों को अरेंज करके एक सर्किट बनाएंगे। अगर आपका बल्ब ग्लो करता है दैट मीन्स आपके पास वो मेटल है, और अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है दैट मीन्स सर्किट जो आपने बनाया है उसमें नॉन मेटल है। क्लियर? सो इस बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और उनके आपको दो एग्जाम्पल्स जो है वो बताने हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या थे? द मेटल ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और इसके लिए आप एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। हमें ऐसी दो मेटल्स बतानी है, दो ऐसी मेटल्स बतानी है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी, दो ऐसी बतानी है जो नहीं करेंगी। सो दिस क्वेश्चन क्लियरली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो ऐसी दो मेटल्स जो डिस्प्लेस करेंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी? दे आर जिंक एंड मैग्नीशियम। और जो डिस्प्लेस नहीं करेंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी? दे आर कॉपर एंड सिल्वर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, वट वुड यू टेक एज एन एनोड एंड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में जो मेटल एम है उसके लिए आप एनोड क्या लेंगे, कैथोड क्या लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? तो ये सेम चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं एनोड की, एनोड थी हमारी क्रूड मेटल, आफ्टर दैट कैथोड, कैथोड थी आपकी प्योर मेटल, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आपका था मेटल सॉल्ट। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पेचुला एंड हीट इट। प्रत्यूष ने एक सल्फर पाउडर लिया थोड़ा सा अमाउंट में और उसको स्पेचुला पे हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ओवर इट। उसने टेस्ट ट्यूब को उसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। सो फर्स्ट पार्ट इज, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, ये जो गैस निकली इसका फर्स्ट पार्ट है कि ड्राई लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ ऑन ड्राई लिटमस पेपर, और सेकंड था मॉइस्ट लिटमस पेपर। सो अगर मैं ड्राई लिटमस पेपर की बात करूं तो यहां पे आएगा नो इफेक्ट, और अगर मैं बात करूं मॉइस्ट लिटमस पेपर की तो यहां पे हम बोलेंगे कि टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। सो दिस इज सल्फर, दिस इज ऑक्सीजन, रिएक्ट किया हमारे पास बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग की प्रिवेंशन के टू मेथड्स बताने हैं। तो आप बता सकते हैं गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा हमारे पास, या अलॉइंग हो जाएगा, या हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन।
किस टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं जब नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। तो अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टू टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, कौन कौन से, एसिडिक एंड न्यूट्रल। क्लियर? सो यहाँ पे हम अगर चाहें तो इनके एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे वॉटर हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। आपको रीजन बताना है कि इनको हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, बिकॉज प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड दे आर वेरी शाइनियर, तो इसीलिए हम उनको ज्वेलरी पर्पज के लिए यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सो ये सेम क्वेश्चन जो है हम इंटेक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर सोडियम, सो सेम इन सब के लिए हो जाएगा, बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट कैन इजिली रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड एयर, सो प्रिवेंट फॉर बर्निंग वी कैप दीज मेटल्स इन टू ऑयल। आफ्टर दैट देन सी पार्ट इज, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज used to make utensils for cooking। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी हम उसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो एल्यूमिनियम है वो सेल्फ रस्टिंग प्रॉपर्टी शो करती है। एल्यूमिनियम शोज सेल्फ प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी अगेंस्ट कॉरोजन, बिकॉज ऑन द एल्यूमिनियम सर्फेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इज डिपॉजिटेड विच स्टॉप फर्दर corrosion, so we can use aluminium for making utensils। After that the next part, the D part is, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction। जो carbonate और sulfide ores हैं उनको हम क्या करते हैं, oxides में सबसे पहले convert करते हैं before extraction। So what is the reason behind that, कि हम उसको पहले किस लिए oxide में convert करते हैं, हम उसको directly जो है वो क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इट इज इजियर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड बाय रिडक्शन देन मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट, क्योंकि जो रिडक्शन प्रोसेस है वो ऑक्साइड्स में इजिली हो सकता है एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। दैट्स वाई जो है हम सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन आफ्टर दैट हम उसको रिमूव करते हैं। After that, the next question, question number 13 is, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these salt substances are effective in cleaning the vessels. जितना भी कॉपर के वेसल्स हैं आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर ब्लैकिश या ग्रीनिश कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन जब हम लेमन या टेमरिंड जूस अप्लाई करते हैं तो वो जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द टार्निश कॉपर वेसल्स आर कोटेड विद बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि उसका नेचर बेसिक होता है, देयरफॉर दीज आर न्यूट्रलाइज बाय एसिडिक लेमन और टैमरिंड, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, हम उसके ऊपर अगर एसिड अप्लाई करेंगे वो उसको न्यूट्रलाइज करके क्लीन कर देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आप इसको इजिली कर सकते हैं, हमने डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप वहां से सॉल्व करेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ। एक इंसान है जो एज अ गोल्डस्मिथ हर घर घर में जा रहा है, घूम रहा है। He promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornaments. He unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him. Their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? एक लेडी ने क्या किया, अपने गोल्ड बैंगल्स लिए, लेकिन उन्होंने जब चेक किया उनका वेट ड्रास्टिकली जो है वो कम हो गया था, तो इसीलिए वो जो मैन था उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। तो आपको क्या करना है, इसका रीजन बताना है कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन था जिसके अंदर उसने उन गोल्ड बैंगल्स को डिप किया और उनका वेट जो था वो कम हो गया। सो योर आंसर इज, ही यूज एक्वारीजिया विच कंटेन वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड थ्री पार्ट ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हेन गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड डिसॉल्व एंड हेंस इट्स वेट इज रिड्यूस्ड. सो द डिसऑनेस्ट मैन मे रिकवर डिसॉल्व्ड गोल्ड फ्रॉम एक्वारीजिया बाय अ सूटेबल ट्रीटमेंट. क्लियर? तो आप इसका ये आंसर जो है वो लिख सकते हैं. क्लियर? क्योंकि एक्वारीजिया के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी थी कि वो अपने अंदर किसी भी मेटल को इजिली डिजोल्व कर सकता था. सो दैट्स वाई जो गोल्ड स्मिथ बन के घूम रहा था वो वहां से गोल्ड को डिजोल्व करके बाद में उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करता था. सो इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप कभी भी ये जो है वो नहीं करना चाहिए ऐसे इजिली ऑर्नामेंट्स के मामले में. बिलीव लोगों पे नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो उसको प्रॉपरली वेट करना चाहिए पहले भी और बाद में भी. सो द लास्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट स्टील इज नॉट. जो हॉट वाटर टैंक्स हैं उनको बनाने के लिए कॉपर यूज किया जाता है, स्टील को यूज नहीं किया जाता. सो योर आंसर इज बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये था हमारा चैप्टर जिसकी इसकी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. सो आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और साथ में इसकी जो एक्टिविटीज हमारी पेंडिंग है उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.